नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और दोपहर के 2:15 बज चुके हैं और यहाँ पे बस अब मैं खाना बनाने लग रही हूँ। आज थोड़ा लेट होगी, असल में थोड़ा काम ज़्यादा था आज दोपहर के टाइम ही, मेरा लेट हुआ था तो इस वजह से लेट होगी। और अभी खाना बस बनने ही लग रहा, बनने क्या रोटी बनानी रहेगी, सब्जी बना दिया गुड्डू ने। गुड्डू ने बनाई आज पनीर की भुज्जी, ये देखिए उसने सर्व भी कर दी, बना बनू के तैयार करके रख रखी है बाउली में डाल के। और ये कढ़ाई कढ़ुई सब खाली कर दे वा जब बनावे, तो उसने सारी निकाल दी और भुजिया बना दी। बच्चों को असल में यही चीजें पसंद होती है, मगर चल बना लो जो अच्छा लगे। कन्हैया को भी पनीर पसंद है, गुड्डू को भी पसंद है, तो मैं पूछ ही रही थी मगर क्या क्या खाओगे, तो दोनों कह रहे थे कि पनीर बना लेना। कन्हैया ही बोल के गया था गुड्डू को कि आज पनीर बना लेना, तो गुड्डू ने ही बनाया है वो। और इधर बस मैंने आटा लगा लिया, अब मैं रोटी सेक लेती हूँ। वैसे तो अभी आया नहीं कन्हैया दुकान से आने वाला, बस यहाँ पे देखे आटा लगा दिया और मैं सेकती हूँ रोटी, बस बच्चे खा लेंगे क्योंकि उनको लग रही भूख। मैं पहले तो लेट काम मेरा लेट ही हुआ था, फिर मैं नहाई धोई, फिर मैंने वीडियो एडिट करी क्योंकि आज वो भी लेट हो गई थी मेरी। और मौसम भी ऐसा ही हो रहा, कभी बादल कभी धूप, कपड़े पड़े मेरे ऊपर, देखती हूँ अगर मतलब धूप सी होगी अच्छी तो फिर मैं ना, बादल और हो गया तो ले आऊँगी उतार के, जो धूप होगी तो पड़ी रहूँगी, पड़े रहने दूंगी अभी। और यहाँ दो मैं दिखा दूँ आपको, ये देखो यहाँ ये नु कह रही थी हम तो खेल रहे पिकनिक पर जा रही है यहाँ से, ये मेरे वहाँ तो उधर था रूम में था पिकनिक का सामान लेकर आई थी दोनों हैं। यो पिकनिक चल रही थारी कंप्यूटर देख के, कौन सी पिकनिक है या थारी दोनों की है गोलियो वो रखा पिकनिक का सारा सामान इनका यहाँ बना रही है। चलो आओ खाना खाओ, खाना बना दिया मैंने, रोटी सेक रही। नहीं उधर आके खाना, नहीं चैलेंज कुछ नहीं, बाद में पूरा करियो खाना बेटे, यहाँ नहीं खाना, खाना उधर ही खाते हैं। हाँ नीचे खा लियो, लेके आओ चलो अपना, बस रहने दो। चैलेंज भी तो ये ऐसे रखे हैं, इन्होंने लिया रूम से बाहर नहीं जाने के हैं, क्यों गलत बात है बेटे, ये गलत गंदी है बातें हो, ये चैलेंज नहीं होते पूरे, ऐसा कुछ नहीं। चलो आओ खाना खाओ अपना, फिर रेस्ट करियो। आओ मैं सेक रही रोटी, बना दी दीदी ने भुजिया पनीर की, आओ। तो जी मैं बना देती हूँ बस अब फुल के। गुड्डू आजा बेटा, बस मैं सेक रही। अरे कन्हैया को कह दे, पूछ लेनु को चाचू कितनी देर में आओगे, उनसे भी कह दे। तो बस मैं सेक देती हूँ गर्मा गर्म और बच्चे खा लेंगे। तो सबने खाना खा लिया है, बस मैं रहेगी, मैं खाऊंगी बाद में, सबने सेक दी और सबने खा लिया। अब मैं जा रही हूँ कपड़े उतारने क्योंकि बादल सही हो रहा और सूख भी गए होंगे क्योंकि तेज धूप भी तेज थी पहले, फिर आराम से खाना खा कर लेटूंगी, नहीं तो फिर भगवान जी परेशान करेंगे फिर लेटन जाने का, फिर मेरा दिमाग भी रोक जाएगा कि कपड़े पड़े ऊपर, कपड़े तो सूख ही गए हैं तो सारे लगभग, देखिए सूख रहे बढ़िया, तो बस मैं इनको उतार के ही रख दूँ। कपड़े मैंने उतार दिए और ये पर्दे ले लिए हैं, इनको लेके जाती हूँ नीचे, शाम को लगा दूंगी। और ये उतार के सारे कपड़े रख दिए यहाँ पर कुर्सी पर, और बस अब मैं खाऊंगी खाना। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स अब आज दिन है सैटरडे, और जैसा आपको पता गुड्डू के पापा गाँव गए हुए तो वे नहीं आए थे कल, पहले तो कह रहे थे कि दिन के दिन आ जाएंगे लेकिन नहीं आ पाए, तो आ जाएंगे वे। और अभी सुबह के 7:30 बजने वाले हैं, तो मैं तो काफ़ी देर से उठ गई थी और बस अपना थोड़ा बहुत जो छोटे मोटे काम है झाड़ू वगैरह लगाना वो सारे मैंने लगा लिए थे। अभी बच्चे भी नहीं उठे और बस जब बच्चे नहीं उठे तो फिर कुछ काम भी नहीं आता, तो मैंने सोचा अभी मेरे पास टाइम है तो जब तक मैं अपना ये टाइम यूज कर लेती हूँ तो यहाँ पर मैं जो
किचन है इसकी क्लीनिंग कर देती हूँ, क्योंकि करनी तो है ही मुझे। मैं कहा चलो आज सुबह ही सुबह कर लूँ, अभी तो टाइम लगेगा नाश्ता वगैरह बनाने में। तो यहाँ पर बस मैं करती हूँ। कन्हैया भी उधर गया था रात, उधर ही चला गया था। रुई भी चली गई थी, बस ईशू गुड्डू और मैं थे यहाँ रात। और वो पीहू को छोड़ के, उसका स्कूल वगैरह है पीहू का, तो तब आएगा। तो अभी तक तो नहीं आया वो, शायद अभी आएगा, थोड़ी देर में आ जाएगा। और यहाँ पे बस मुझे करनी है सफाई, तो मैं लग जाती हूँ, अच्छी तरीके से साफ कर देती हूँ अपनी किचन। और टाइम तो था, मगर चलो अभी सुबह ही इतना कुछ काम तो है नहीं, कर लूँगी। तो यहाँ पे लगती हूँ मैं अपनी किचन को साफ करने में। मैं लग गई हूँ सफाई करने में। सबसे पहले तो मैंने झाड़ू उठा लिया है और जाले उतार दूंगी, और धूल सी जमी जाती है दीवार पे, वो भी अच्छी तरीके से झाड़ू से साफ हो जाएगी। किचन में ज़्यादा होता है, रूम में तो बल्कि इतना नहीं होता गंदा, मतलब धुआं सा नहीं जमता दीवार पे, काली काली सी हो जाती है कहीं कहीं से दीवार, तो वो मैं झाड़ू से साफ कर दी। अब सबसे पहले मैंने फिर ऊपर जो पेपर डालने हुए स्लेब पे, वो करूँगी चेंज। और ये बहुत ही फ़ायदेमंद है पेपर ऊपर डालने, क्योंकि गर्दा बिल्कुल भी नहीं लगता, सफाई नहीं करनी पड़ती, बस पेपर चेंज कर दो। क्योंकि धूल मिट्टी सबसे ज़्यादा ऊपर स्लेब पे ही बैठती है, जैसा गैस वगैरह चलती है या कुकर में, मतलब जो भी प्रेशर वगैरह बनता है, तो उससे एक धुआं सा होता है, तो वो पेपर के ऊपर ही जम जाता है, स्लेब बिल्कुल क्लीन रहता है। तो अगर आपका भी ऐसा स्लेप है और सफाई करने में दिक्कत है, तो उन पे आप पेपर जरूर डाल लें। इनको सबसे बड़ी बात है, सफाई करने की भी जरूरत नहीं, फिर से चेंज कर दो जब भी हमें सफाई करनी। तो पूरे स्लेप पे मैंने पेपर बदल दिए, दूसरे डाल दिए। अब बारी आ गई है अंदर रैक की, तो यहाँ पे मैं सारे डब्बे निकाल लूँगी। डब्बे मुझे नहीं धोने, क्योंकि डब्बे बिल्कुल साफ हैं, अंदर धूल मिट्टी का तो जाने का कोई मतलब ही नहीं। अब जब से ये बनी अलमीरा, ये सबसे अच्छी बात है कि डब्बे बिल्कुल भी गंदे नहीं होते, वरना तो धुआं सा जमा रहता था इन पे और चिपचिपाक सी रहती थी, हाथ भी चिपक जाते थे कई बार, जब भी ज़्यादा सफाई को टाइम हो जाता ना था ना, ज़्यादा टाइम मतलब सफाई करे हुए, तो हाथ भी चिपचिप से करने लगते थे। तो अब डब्बे मेरे बिल्कुल क्लीन रहते हैं, बिल्कुल भी चिपकते नहीं। तो यहाँ पे मैंने सारे डब्बे निकाल लिए हैं। अब उसके बाद अब इनको अंदर से जो अलमीरा है, इनको कपड़े से अच्छी तरीके से साफ कर लूँगी। पहले इधर थोड़ी सी सेटिंग सी कर लूँगी, इसमें ग्लास कप वगैरह और ये मिक्सी के जार वगैरह थे, तो वो मैंने सेटिंग सी करके लगा दिए जिस वहीं पे ही, और इनमें से जो ग्लास कांच के वो निकाल दिया, क्योंकि अभी वो यूज भी नहीं हो रहे। मैं कहा इनको डब्बे में रख दूंगी, भीड़ सी हो रही थी उस वाली अलमीरा में, मतलब जो ये है रैक इसमें। तो अब जो डब्बे हैं उन पे कपड़ा मार के लगा दूंगी ऊपर ही अलमारी में, वो इसलिए कि साफ धोने तो है नहीं जिनको मुझे रखने, और जो खाली हैं उनको बस मैं धो दूंगी, वो सिंक में रख लूंगी, उनको धो दूंगी। और कुछ डब्बे ऐसे जो मुझे खाली करने हैं जिसमें कुछ सामान है, तो वो भी कर लूंगी इसी तरीके से। तो यहाँ पे देखिए फटाफट बस जल्दी जल्दी मैं लग रही, सुबह टाइम तो था ही खाली, मैं कहा चलो टाइम भी यूज हो जाएगा मेरा, तो इसलिए। और इधर देखिए कन्हैया भी आ गया था उधर से, तो मैं सब पूछ ही रही थी, मैंने कहा पीहू को छोड़ आया क्या, तो कह रहा था कि हाँ छोड़ के आ गया, तो बस वो पूछ रहा था कि किस टाइम तक आएंगे। मैंने कहा अभी मेरी बात नहीं हुई, मैंने फ़ोन भी नहीं किया था सुबह के टाइम, मैं उन्होंने बोल दिया था शाम के टाइम जब बात हुई थी, कि वे कह रहे थे कि मैंने बोला था कि जब चलोगे आप बता देना, ठीक है। यहाँ पे देखिए अचार मेरा थोड़ा सा बचा हुआ है, पिछले साल जो मैंने डाला था, और आपके साथ इसकी रेसिपी भी शेयर की थी, आम का अचार था, तो पूरा साल हो गया बिल्कुल ठीक रखा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ, थोड़ा सा बचा था। तो ये मैंने बड़े वाला जार खाली कर दिया और छोटे वाले में डाल लिया। इस बार तो मैंने यहाँ नहीं डाला, गाँव में थी जब मैं मम्मी के पास, वहाँ पे डलवा के आई थी, अचार डला तो था नहीं तब, वो अचार फड़वाया ही थी, मतलब आम कटवा के आ गई थी, क्योंकि फिर अगले दिन ही हम आ गए थे, जो आम मैं अपने मायके से लेके गई थी ना, वो वाले आपने देखा भी होगा वीडियो में। तो मम्मी फिर बाद में कह रही थी कि मैं यहाँ पे बाद में डाल दूंगी, क्योंकि 2-3 दिन तक वो सुखाना होता है जब जाके डालना होता है। तो बस वो मैंने जार वगैरह खाली कर लिए, मैं कहा ये बड़ा काफ़ी स्पेस घेर रहा था, मैं कहा अभी इसे खाली कर लेती हूँ, तो वो मैंने रख दिए जो भी खाली थे। उसके बाद जो नीचे वाली रैक है वो भी अच्छे से क्लीन करके रख दूंगी, सामान जो भी है वो सेट सा कर दूंगी, और झाड़ पूछ सी का जो नीचे स्लेप है वो भी साफ कर दूंगी। तो इसी तरीके से सारी अलमीरा कर दूंगी साफ, ये तीनों वाली, और कितना भी कर लो चाहे फिर भी भरी जाती है। और जब हम सफाई करते हैं काफ़ी सारा हमारा एक्स्ट्रा सामान निकल ही जाता है, कोई डिब्बे कोई कुछ, और चाहे कितना
भी रोज कर लो, कभी जैसा अलमारी साफ करने लगी तो काफी सारे डब्बे ऐसे जिनमें सामान रखा है ही नहीं, और काफी ऐसे है जैसा पन्नी में कुछ सामान आता है ना, फिर वो ऐसा कैसे ही रख दो कि बाद में निकाल लेंगे, ऐसा होता है। तो यहाँ पे देखिए, बस मैं लगभग सारे की कोशिश कर रही कि सारे को अच्छी तरीके से संगवा दूँ, जो पन्नी में था सामान वो डब्बों में कर दिया। और यहाँ पे देखिए, बस ये आटा भी था, आटा भी मैंने ड्रम में निकाल दिया क्योंकि इसमें ख़त्म ही हो रहा था, जो थोड़ा सा बच रहा था वो मैंने इसमें डब्बे में निकाल लिया ब्लू वाले में। इसको पहले यूज कर लूँगी, आटा बना लूँगी इसका, और फिर बाद में ये ड्रमी वाला यूज कर लूँगी। तो यहाँ पे इसी तरीके से बस नीचे से फर्श पे भी मैंने पोचा सा लगा दिया, कपड़ा भिगो के एक कपड़े से अच्छी तरीके से रगड़ रगड़ के, और फिर बस सामान सेट कर दिया। अब रह गया है बस ये बीच वाला स्लेब, बाकी तो हो ही गए, ऊपर वाले भी नीचे वाले भी सारे स्लेब मैंने मतलब अलमीरा सेट कर दी, लगा दिया सारा सामान। जो एक्स्ट्रा था इतना नहीं था, लेकिन बस थोड़ा सा सेटिंग सी मांग रही थी, सफाई सी हो ही जाती है, जब सफाई करते हैं तो सेटिंग अच्छे से हो जाती है। तो अब ये रैक है, रैक की जो ये सीसी सी है इनमें ना काफ़ी सामान ऐसा मसाला सा जो पुराना सा हो रहा, तो वो मैं निकाल दूंगी, जो मुझे लग रहा कि ये मैं यूज नहीं करती। तो यहाँ मैंने सारी निकाल ली, सबसे पहले तो इसमें मार दिया कपड़ा, और ये ब्लैक कलर की, इस पर धूल इतनी ज़्यादा चमकती है बहुत ही ज़्यादा। और आप सब भी कमेंट करके पूछ रहे थे कि आपने ये रैक कहाँ से ली, ये वाली भी और एक लोहे वाली है जो छोटे वाली, ये दोनों मैंने मीशो से ली थी। अब वैसे तो मुझे लग रहा है ये 800 850 के लगभग थी, लेकिन फिर भी रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं, आप सर्च करके देख लेना। ये तो लकड़ी की है जो ये ब्लैक वाली, और वो जो दूसरी है स्टैंड जिसमें मैं ऑयल वगैरह रखती हूँ वो लोहे की है। तो दोनों ही लगभग 700-800 के उसमें है, आप सर्च करके देख लेना तो वहाँ से मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो मुझे रखने थे इनमें सामान वो तो मैंने रख दिया है, डब्बी बिल्कुल साफ करके एकदम गिल्ले कपड़े से, एक चमक जाती है ये सफाई करते ही एकदम चमक जाए। एक तो ये ब्लैक है और सबसे ज़्यादा सुंदर लगती है ये इसमें रखे हुए। इस रैक में मैंने कई बार चेंज भी कर लिया, डब्बे वगैरह भी या फिर कप कूप रख दूँ, लेकिन यही सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। कुछ चीज़ होती है ना जो जहाँ से रखी गई वहीं पर ही सूट करती है, उसके अलावा कुछ नहीं करती, तो बहुत अच्छा लुक आता है इसका किचन में। ये वाली है वो रैक, देखिए मैं दिखा रही ना ये लोहे वाली। तो यहाँ पे देखिए, बस ये भी मैंने साफ कर दिया अच्छी तरीके से, और ये थोड़ी चिकनी सी हो जाती है क्योंकि इस पे सारे चिकनाई के सामान जैसा रिफाइंड है, घी है, तेल है, ये सारी चीजें, रिफाइंड तो है नहीं, खैर मैं ऑयल तो तेल ही यूज करती हूँ, तो ये सारी बोतल है जो ये चिकनाई कर देती है, तो इसको थोड़ी अच्छी तरीके से मैंने रगड़ दिया। इसको मैं बीच में भी कई बार धो देती हूँ साफ जूने से, तो वो अच्छे से क्लीन हो जाती है। यहाँ फिर मैंने क्या किया, एक पेपर डाल दिया ऊपर की साइड, जिससे कि ये जो बोतल है ना इनमें से जब भी मैं तड़के के लिए ऑयल यूज करती हूँ तो थोड़ा बहुत एक आध बूंद निकल जाती है, तो वो नीचे वाले डब्बों पर चू जाती थी। काफ़ी दिन हो गया ऐसा ही हो रहा था, लेकिन आज फिर मैंने सोचा मैं कल इसमें ना पेपर डाल दूँ, अगर चिकनाई भी रहेगी तो ये फिर पेपर पे ही रहेगी, नीचे वाले डब्बे नहीं गंदे होंगे। तो ये प्रॉब्लम काफ़ी दिन से आ रही थी, कभी कभी कुछ चीज़ें दिमाग में आती नहीं, लेकिन आज मेरे अचानक तैयारी आई, मैं कहीं अखबार डाल दूँ तो इससे ये सही रहेगी, नीचे वाले डब्बे भी ख़राब नहीं होंगे। तो ये रैक बिल्कुल साफ होगी, टाइल्स वगैरह मैंने रगड़ रगड़ के कर दी साफ, गैस भी कर दी है बिल्कुल बढ़िया, वैसे तो साफ ही पड़ी थी, अभी रात का ही खाना बना था, रात को भी मैं साफ ही करती हूँ। अब उसके बाद आ गई है इस टोकरे की बारी, जो ये स्टैंड वाला है रैक मतलब, ये वैसे तो मुझे पाइप से धोनी थी, लेकिन पाइप से मैं जान के नहीं धो रही क्योंकि इसके नीचे ना बोर्ड है, तो मुझे थोड़ा सा डर रहता है बिजली वगैरह का, मका कभी करंट लग जाए, ये भी नहीं आया फिर कौन देखेगा मुझे, वरना फिर इसीलिए ये कपड़े से ही साफ कर दी, पहले ऊपर वाले बर्तन निकाल के कपड़े से साफ कर दी, वे लगा दिए, फिर नीचे वाले थोड़े थोड़े करके ऐसे ही कर दी। उसके बाद जो ये पीछे विंडो, ये भी खूब अच्छे से साफ कर दी, कपड़े से जो भी सामान रखा वो सेट कर दिया, और आरओ वगैरह सारा ही साफ कर दिया मैंने ऊपर कुर्सी पर खड़े होकर खूब अच्छे से, क्योंकि जब क्लीनिंग होती है ये सारी चीज़ें तो कभी कभी होती हैं, बाकी अलमीरा वगैरह तो सेट होती रहती है, लेकिन जैसे आरओ है, रैक है, ये विंडो, ये तो कभी कभी सफाई साफ होती है, डेली नहीं हो पाती, मतलब जो हम रोज तीसरे दिन करते हैं सफाई उसमें नहीं हो पाती। तो फिर मैंने जहाँ पे ये बास्केट है ये वाली जो बर्तनों की, ये भी खूब रगड़ के मांज दी और यहाँ पे भी साफ कर दिया अच्छी तरीके से, जिससे कि मतलब पानी जैसा बर्तन रखे रहे पानी हो गया ना तो चिकना चिकना सा रहता है, तो यहाँ पे भी मैंने जूने से रगड़ के खूब साफ कर दिया। वैसे तो ये मैं रोज ही करती हूँ, लेकिन आज और अच्छी तरीके से कर दिया। उसके बाद जो डब्बे डुब्बे थे मेरे सारे, वो भी मैंने
लगा दिए, मतलब धो दिए सारे जो खाली करे थे, सारे मांज दिए। और ये बोट भी मैंने गर्म पानी रख दिया है, वो उसमें धो दूंगी, ये अच्छे से साफ हो जाएगा। क्योंकि अचार का है ना, थोड़ी जो फ्रीज में मलाई वगैरह थी वो मैंने रख दी थी गर्म करने के लिए मक्का, जिससे कि ये इनका घी बन जाए, वो बर्तन भी खाली हो जाएंगे। और इधर गुड्डू भी आ गई थी, गुड्डू बनाने लगी थी कन्हैया के लिए नाश्ता, उसको मैंने बोल दिया था मैं कहा बेटे अपने चाचू को दे दे नाश्ता बना के, क्योंकि उसको जाना था फिर शॉप पे, इसलिए। तो अब बारी आ गई है बस फ्रिज की, फ्रिज रह गया, फ्रिज भी कर दूंगी साफ। बस इसमें देखे सामान कितना सारा भर रहा, सारा निकाल के और इसको अच्छी तरीके से साफ कर दूंगी। इसमें भी जब से ये पेपर से डाल रखे ना फ्रिज में, ये क्या ट्रे वाले कवर से हैं ये, इनसे भी बहुत फायदा है। ये जो ट्रे सी है फ्रिज की, बिल्कुल भी गंदी नहीं होती, ऊपर कपड़ा मारो एकदम क्लीन हो जाती है। बहुत फायदे हैं चीज, थोड़ा सा पैसा तो जरूर लगता है, खर्चा तो होता है, लेकिन बहुत आराम भी होता है इन चीजों का। तो फिर मैंने फ्रिज को भी रगड़ रगड़ के साफ कर दी, जो इसकी रैक वगैरह थी और ये ट्रे सी थी ये सारी मांज दी, धो के रख दी। और फिर इनको सेट कर दूंगी, जो सामान है वो भी सारा इसके अंदर कर देती हूँ सेट। तो वैसे मेरी किचन पूरी क्लीन होगी, बस लास्ट का काम रह गया है इसमें, जो इसकी खिड़कियाँ हैं ये, इन पे कपड़ा मारना, तो बस ये भी मार देती हूँ, ये लास्ट है। और बस अब मैं धोना रह जाएगा, धोऊंगी बाद में जब पोछा लगाऊंगी, क्योंकि अभी मुझे करना था ब्रेकफास्ट वगैरह। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, और पूरी मतलब कोना कोना चमका दिया मैंने, देखे अपनी किचन का बिल्कुल चमक उठी है एकदम। ये जो रखा ना क्या बोलते हैं इसको मटका, ये भी मैंने खूब धो के मान के ये भी भर दिया। हम तो पी लेते हैं आरो का पानी, अब ठीक करवा दिया, लेकिन ईशु और गुड्डू नहीं पीती, उनके लिए मुझे ये भरना पड़ता है दोनों बहनों के, वे कहती है कि उसका आरो का अच्छा नहीं लगता। तो जी बस इस वीडियो में इतना ही, आगे का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। और आपको ये वीडियो कैसी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।